स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 का थर्ड सम है, बहुत ही आसान सम है, बहुत ही प्यारा सम है। देखो क्या कहना चाहता है, कहता है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरिमीटर 250 मीटर। ठीक है, एक हॉल है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर एक हॉल है, ठीक है, जिसका पेरिमीटर हमें दिया गया है कितना, 250। कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी फोर वॉल एट द रेट ऑफ 10 per meter square इज 15,000 rupees, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। एक हॉल है जो कि किसकी फॉर्म में है, कुबाइटी शेप में है, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये हॉल है इसकी शेप है कुबाइट की, ठीक है। अभी जो इसका फ्लोर है ना, ये फ्लोर बेस, ये वाली चीज फ्लोर, इसका जो पैरीमीटर हमारे पास कितना दिया गया है, 250। इसका पैरीमीटर दिया गया 250 मीटर, ठीक है। अभी हमें पता है क्या कहता है, द रेक्टेंगुलर हॉल पेंटिंग द फोर वॉल रेट, अगर इस चार वॉल को, इस चार वॉल को पेंट करना है, ठीक है, इस चार वॉल को इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल एट द रेट ऑफ 10 per meter square 15,000। इस चार दीवार से कमरा मान लो हॉल है, ठीक है, हॉल है, उसका फ्लोर है, फ्लोर का पेरीमीटर दिया है, और हॉल के वॉल को जो पेंट करने का खर्चा आता है कितना आता है, 15,000 रुपये, मतलब 15,000 rupees। कहता है हाइट बताओ हॉल की, हाइट कितनी होगी, ठीक है, ये वाली चीज बताओ कितनी होगी। तो बहुत ही समय प्यारा है, सिंपल है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करें, देखो क्या दिया गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल दिया गया है, कॉस्ट ऑफ क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल, जो चार वॉल है ना हॉल की, अगर उसको आप पेंट करते हो जो खर्चा है आपके पास कितना आया, रुपीस 15,000। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है रेट ऑफ पेंटिंग, जो पेंटिंग का रेट है हमारे पास कितना दिया गया है, रेट ऑफ पेंटिंग 1 meter square का कितना दिया गया आपके पास, रुपीस 10। मतलब यार 1 meter square का जो एरिया है वो 10 है, 1 meter square का पेंट करते हो तो 10 रुपए आता है, टोटल को पेंट करने का खर्चा 15,000 है, अगर इस 15,000 को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास तो एरिया आ जाएगा ना, जितने एरिया को हमने पेंट किया है। तो बहुत ही आसान, कहते हैं एरिया फॉर वॉल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ फॉर वॉल, जो एरिया ऑफ फॉर वॉल है वो कैसे आ जाएगा आपके पास, सिंपली एरिया ऑफ फोर वॉल मतलब फोर वॉल को अगर पेंट करना है 15,000 रुपये खर्चा आ रहा है, 1 meter square का 10 रुपये खर्चा आता है, इसको डिवाइड कर दिया हमारे पास कितना आ गया, 1500 मीटर, कितना आ गया 1500 मीटर, सिंपली, ठीक है, एरिया है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास एरिया तो आ गया चार वॉल का, कितना एरिया आया 1500 मीटर। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है, जो वॉल का एरिया होता है वो क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कुबाइड, देखो कुबाइड ही है ना, कुबाइड, जिसमें हमने को क्या पता है, हमें चार वॉल के एरिया का पता लग गया है, मतलब हमें 2L + BH = 1500 में यहाँ पे पता लग गया है, ठीक है। तो हमें क्या पता कि एरिया फोर वॉल क्या होता है, ये होता है कितना, 2L + BH होता है, इसको टू कितना है, एरिया फोर वॉल का फॉर्मूला यही है ना, कट सफेस एरिया, ये किसके बराबर है, 1500 के बराबर है, आगे बात समझ में। अब मुझे यहां पे एक चीज और पता है, 2L + B, देखो 2L + B क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो क्या मैं इसको पेरीमीटर लिख सकता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू एच क्या होता है, हाइट, तो कितना है इक्वल की, 1500। अगर आप ध्यान दो यहां पे, अगर आप ध्यान दो 1500, ठीक है, अगर आप ध्यान दो पेरीमीटर जो हमारे को गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल 1500 रुपए है ना, अभी हमें क्या कहा गया, पहले देखो फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल हॉल हैज अ पेरीमीटर 250, जो रेक्टेंगल हॉल का पेरीमीटर हमें दिया गया है कितना, 250, तो पेरीमीटर हमें 250 दिया गया है, और हाइट हमें निकालनी है सिंपली इक्वल टू 1500, तो हाइट किसके बराबर हो जाएगा, HEIGHT, हाइट किसके बराबर हो जाएगा, 1500/250, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 25 चौका 100, मतलब
25 छीका 150 कितना आ गया 6 मीटर लॉन्ग। जो हाइट है, हाइट कितनी आ गई हॉल की 6 मीटर लॉन्ग। तो आंसर क्या हमारे पास, हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर लॉन्ग। कितनी हाइट आ गई हमारे पास 6 मीटर आ गई हमारे पास हाइट। ठीक है।